नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी से मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी चुनाव में लगी हुई है, लेकिन वहीं इसकी वजह से गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। बिचौलिए उसे औने दो में दाम पर खरीद रहे हैं। गन्ना किसानों का भुगतान अब तक नहीं किया गया, साथ ही साथ अन्य मांगे की। अब देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, इधर सरकार चुनाव में जबरदस्ती लूटपाट कर रही है, लोगों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है, वो चुनावों में व्यस्त है। लेकिन किसानों का जो गेहूं था, वह गेहूं क्रय केंद्रों पर जो सरकारी रेट में जाना था, वह गेहूं बिक ही नहीं पा रहा है। बिचौलिए और क्रय केंद्रों के जो अधिकारी हैं, जिले के प्रशासन ने मिल करके जिस तरह से किसानों के गेहूँ की लूट हुई है, क्योंने पौने दाम पर 1400-1500 रुपये किसान गेहूँ बेचने पर मजबूर हुआ है। इसमें हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनका गेहूं अभी बाकी रह गया है उनका गेहूं खरीदा जाए। तो अधिकारी क्या आश्वासन मिला आपको? वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। और इसके बाद यह चीनी गन्ना मिल का 70 करोड़ रुपया बकाया है, किसान उससे परेशान है। वह बकाया मूल्य दिलाने की बात हम लोगों ने किया, अगर नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में आंदोलन धरना प्रदर्शन होगा। तीसरी मांग हमारा, घाघरा नदी में कटान हो रही है, वहाँ ज़मीनें ख़त्म हो जा रही है, जो खेती की ज़मीनें थी घर विलीन हो गए। तो ऐसी हमारी मांग है कि जहाँ पर ये कटान हो रही है वहाँ पर नजूम की जो ज़मीनें हैं, गांव सभा की जो ज़मीनें हैं, उनको मकान के लिए आवंटित किया जाए और खेती के लिए आवंटित किया जाए। और जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इससे किसानों पर भारी मार पड़ रही है। जो आवश्यक वस्तुओं के दाम तो महंगे हो ही रहे हैं, लेकिन किसानी भी महंगी हो रही है। इन परिस्थितियों में हमारी मांग है कि ये डीजल पेट्रोल के दामों पर रोक लगाई जाए और उसको कम किया जाए, जो पहले था 2014 के पहले उस रेट पर यहाँ पर काम किया जाए। सरकार तो इसमें चुनाव में व्यस्त है, किस तरह दिखेंगे उसको चुनाव में? यही तो हमारी मांग है कि चुनाव में व्यस्त होकर के ये जो असली मुद्दा हमारा है, किसान, गरीब, बेरोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को, उम्मीदवारों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है। गोरखपुर में जो नग्न तांडव आप लोगों ने देखा, लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला यह घटना है। ऐसी परिस्थिति में आज मैं हम लोग मांग करते हैं कि संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए। इस सरकार के चलते लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। ये लोकतंत्र नहीं, लाठी तंत्र बन गया है। हमारी मांग है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सड़कों को जाम करने का काम करेगी।